गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सभी प्रदेशवासियों को श्रावण सोमवार की बधाई दी और कारगिल दिवस के मौके पर शहीदों को नमन किया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की दो ही जगह पूरे बहुमत से सरकार थी, वहां भी कलह चल रही है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस में आपसी कलह मची हुई है। उन्होंने कहा कांग्रेस को कुछ भी पता नहीं चलता, जब उनकी सरकार गई तब भी उन्हें पता नहीं चला था, तो अब अरुण यादव का कहां से पता चलेगा। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की हालत सही नहीं है, वहां टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग हो रही है। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू लगे हुए हैं। कांग्रेस में कबीलों की तरह लड़ाई होती है। उन्होंने कहा ये कांग्रेस का आपसी मामला है, इसमें हमें नहीं पड़ना। नरोत्तम मिश्रा ने कहा उनकी डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ बैठक हो चुकी है, सभी तैयारियां की जा रही हैं। इस दौरान उन्होंने भाजपा बैठक को लेकर कहा कि भाजपा की एक बैठक में इतना शोर क्यों है, कांग्रेस से एक नहीं कई बैठक करे। उनको मैं कह रहा हूं ना कि ये सब चीजें पता चलेंगी नहीं, जब पूरी सरकार का ही पता नहीं चला तो अरुण यादव जी का कहां से पता चलेगा। अब इनकी दो ही सरकारें कुल बची हैं, छत्तीसगढ़ का आप देख ही रहे होंगे कौन कौन से बाबा बना दिया उनने उनको। ये आंतरिक कलह है कांग्रेस की, दो जगह बची हैं, बहुमत की सरकार, दोनों जगह कलह की स्थिति है। उधर नवजात सिद्धू जी, नवजोत सिंह सिद्धू जी, और इधर उप मुख्यमंत्री बाबा साहब, दोनों प्रदेशों की आप हालत देख लो। ये कांग्रेस तो कबीलों की तरह लड़ाई जो होती है, हालांकि उनका आंतरिक मामला है, हमें उसमें कुछ कहना नहीं है। डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठकें हमारी हो गई हैं, आपदा के लिए डिजास्टर के लोग सारे तैयार हैं और हमारे पास पूरी तैयारी है। रोज करें वो करते क्यों नहीं है बैठक, और एक बैठक का इतना हल्ला क्यों। हिमाचल की लैंडस्लाइड की घटना को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यह घटना दुखदाई है, ऐसी घटनाएं बरसात के समय में बढ़ जाती हैं। ग्वालियर खंडवा में भी कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, उन घटनाओं से मन व्यथित होता है। वहीं उन्होंने कोरोना को लेकर कहा कि कोरोना काबू में है, आज मात्र 6 मामले आए हैं, रिकवरी रेट बढ़ा है। दर्दनाक है, हृदयविदारक घटना है। कुछ बारिश के समय इस तरह की होती हैं, हमारे ग्वालियर जिले में भी भितरबार में इस तरह की हुई है डूबने की घटना, हिमाचल की हो चाहे खंडवा की हो, ये वास्तव में मन को व्यथित करती है। कारगिल दिवस, शहीदों को नमन, उनके चरणों में श्रद्धांजलि। कोरोना के क्षेत्र में आज भी हम राहत के साथ हैं, कुल 6 मामले मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के आए हैं, 11 लोग ठीक होकर अपने गंतव्यों की ओर गए हैं, 142 एक्टिव केस पूरे मध्य प्रदेश में बचे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।